तो भाई मैं निकल गया हूँ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए। रायपुर से हम जाने वाले हैं अभी कलकत्ता, कलकत्ता से जाएंगे हम बैंकॉक। मैं कैब में बैठ चुका हूँ, ये हमारे भैया हमको ले जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। तो मैं एकदम टाइम से पहुँच रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से टाइम से काफ़ी पहले ही पहुँच रहा हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट में, उतर गया हूँ अपनी कैब से। अब फ्लाइट लेने के लिए बस अंदर जाना है भाई गेट पे। देख रहे होंगे आप लोग प्रस्थान लिखा है, वहाँ जाना है। टिकट वगैरह बस दिखाएंगे, टिकट ले लिए हैं, ये आप देख सकते हैं टिकट है हाथ में। हमारी पूरी टीम बैक साइड में है, देख सकते हैं बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो साथ में जा रहे हैं। तो अब बस कुछ ही देर और हम रहेंगे फ्लाइट में। हम अब बैठ गए हैं गेट नंबर छः पे हमारा फ्लाइट आने वाला है शायद अभी, क्या लगता है आपको? तो बस हम जा ही रहे हैं फ्लाइट में, अपने सीट जहाँ है वहाँ बैठने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है अंदर। चुके हैं, हमारा सीट नंबर है 21B। अब खोजते हैं भाई कहाँ बस है, बहुत रस है यार, देख सकते हो आप फ्लाइट के अंदर का। भाई मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, 21B सीट आ गया है और बदल कर सीट बदल कर देखते हैं भाई। थाईलैंड की धरती पे हम लोगों का एंट्री हो गया है और बस सब फ्रेंड हमारे आ रहे हैं बाहर, देख सकते हैं। इसमें हम जाने वाले हैं अपने होटल के पास तक। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा ये है, इधर से हम लोग बाहर निकले थे भाई। कल रात ज़्यादा हो गया था तो मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा पाया था। ये हमारा रूम है थाईलैंड में, पटाया में। तो यहाँ पर एक भैया हैं हमारे साथ में, वो अभी बाहर गए हुए हैं। वो वाला मेरा बेड है और इतना बड़ा सा यहाँ खिड़की दिया हुआ है भाई, एकदम अच्छा दिख रहा है नज़ारा। यहाँ पर वॉशरूम है और ये एंट्री गेट है हमारे रूम का। और यहाँ पर चाय कॉफ़ी के लिए सब कुछ रखा हुआ है भाई, बना बना के पी सकते हैं अगर इच्छा है तो। तो ये है हमारा रूम और ये है बाहर का व्यू, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो देख सकते हैं। फ्लाईओवर है बाहर में एक, ये देखिए यहाँ पर भैया फुटबॉल या क्या कुछ खेल रहे हैं भाई।